आपके चहेतों के पापों के हिसाब कभी कभी आपको ही देने पड़ते हैं। आपके अंदर एक दर्दनाक खलबली सी मची रहती है कि क्या हालात सुधारे जा सकते थे। आप ऐसा क्या नहीं कर पाए कि हालात बद से बदतर होते गए। अरे पंकज कैसे? सत्यन को फिर से पुलिस ने पकड़ ली। आप क्या कर दिया उसने? क्या पता दादा, अपने जगदीश ने देखा उसे भागते हुए, पुलिस पीछा कर रही थी, लास्ट में उन्होंने उसे पकड़ ही लिया। तेरा भाई सत्य ने एक ज्वेलरी शॉप में घुसा, लिया कुछ नहीं, लेकिन वहां से निकलते वक्त सुमड़ी में दो चेन अपनी जेब में डाल के निकला। साहेब, सत्यन ने मुझसे वादा किया था कि वो चोरी नहीं करेगा। तेरा भाई गॉन केस है, चैप्टर है, हिस्ट्री चीटर है, और ये चोरी की आदत शराब के लत के जैसी होती है, आदमी को पता ही नहीं चलता कब उसका गुलाम हो गया। उसने जो कुछ भी चुराया लौटा देगा साहब, मैं समझाऊंगा उसे। वो हम बरामद कर लेंगे, तू फिक्र मत कर। मैं वादा करता हूँ साहब, इस बार छोड़ दीजिए, आगे से कोई गलत काम नहीं करेगा। कौन से दुनिया में जीते हो तुम? तुम्हारे भाई सत्येन को चोरी के इल्जाम में अरेस्ट किया है, यूं ही नहीं छोड़ने वाले। कल उसकी अदालत में पेशी होगी, तब जमानत के पैसे भर के उसे छुड़वा लेना। साहब इस बार छोड़ दीजिए साहब। मत छुड़वा अपने भाई को, अपने मेहनत के पैसे अपने बच्चों के लिए संभाल के रख। साहब सत्येन मेरे बेटे जैसा है। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, और उसे सीधा करने के चक्कर में तेरे जैसे सीधे साधे लोग लंबे हो जाते हैं। लाइट, हमारे मरे हुए आई बाबा की कसम खाई थी तूने, तेरी आई जैसी बहनी की कसम खाई थी तूने कि चोरी नहीं करूंगा, बार बार बोला था, फिर क्यों की तूने चोरी? देखो मालूम है इन लोग नाराज क्यों है? क्यों है? चोरी का हिस्सा नहीं मिला ना इसलिए, और कुछ? चोरी का हिस्सा जो तू नहीं करने वाला था, फिर क्यों की तूने चोरी? अरे हो गई ना अब। दादा कल जमानत करने आएगा ना मेरी? सपने में भी नहीं। तो भाषण झाड़ने आया क्या? जब छुड़ाना नहीं था आए क्यों? और अगर तुम चाहते हो ना मैं सड़ू यहां जेल में सालों साल, तो ठीक है चले जाओ यहां से, मुझे मिलना ही नहीं है तुम लोगों से। जमानत के लिए कितने पैसे लगेंगे? वही पहले का जैसा, 5 या 10 हज़ार या उससे ज्यादा। शंभू भाव से वापस मांग कर देखो उधार पे। जहां मुझे इसकी और जमानत नहीं करवानी है। ऐसा ना कहो, बोलो जेल में तो और कट्टर बन जाएगा, पहले उसे बाहर लाते, पहले 2 कस के चमाट तो मैं खुद उसे लगाऊंगी, फिर शिरडी या कहीं ले जाकर उसे वापस कसम दिलाते हैं कि फिर गलत रास्ते पे नहीं जाएगा वो। हमारे कहने से गलत रास्ते पे निकला था जो हमारे कहने से नहीं जाएगा। लेकिन आप खाना तो खाइए। नहीं खाना मुझे। लक्ष्मण दादा, जुगाड़ हुआ कुछ जमानत का? अरे इस बार तो हो गया, वो शंभू भाव ने उधार दे दिया। पंकज, जगदीश, मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए। अरे बोलो ना दादा, क्या करना है? सत्यन को सुधारना है। दादा हम लोगों ने क्या कम ट्राई किया होगा क्या? तो फिर से करो ना, तुम लोग तो उसे बचपन से जानते हो, तुम लोग जैसी नौकरी करते हो उसे भी कहीं काम पे लगा दो, 2 पैसे कमाएगा काम में लगा रहेगा तो चोरी की आदत अपने आप छूट जाएगी। बस इस काम में मेरी मदद कर दो। आप हाथ क्यों जोड़ रहे हो? हमें भी तो उतनी फिक्र है सत्यन की जितनी आपको है। दादा हम लोग ना फिर से कोशिश करते हैं सत्यन को लाइन पे लाने के लिए। इस बार मैं पिघलने वाला नहीं हूँ, सीधे कह दूंगा सत्यन से,
अपना काम शुरू कर, नहीं तो रास्ता ले, कमा खा अपना। सत्यन, बीच में खाना नहीं छोड़ते, गलत बात है। इसे सही गलत का मालूम होता तो ये दिन देखना पड़ता हमें। मुफ्त की मिल रही है ना, रोटी की कीमत नहीं जानता ये। अपने दो टके के तेवर दिखा रहा है वो भी ऐसे। लॉकअप और जेल में जो कुटाई हो रही थी ना, वही ठीक थी। कम से कम इनकी बातों से तो ठीक थी वो। सत्यन, तू खाना खत्म कर। रुक जा, इसे मेरी बातें बुरी लगती हैं लेकिन अपनी आदत नहीं सुधार सकता। हे, स्कूल में श्रेया को क्या चढ़ाते हैं पता है? चोर की भतीजी। तुम्हारा कितनी वेळा सांगितलं, खाना खाते वक्त मत डांटा करो उसे। आज ही तो लौटा है जेल से, उसकी पसंद का खाना बनाया था मैंने। उसकी पसंद बहुत भारी पड़ गया है। बचपन में जब पहली बार चोरी की थी ना, तभी दांत तोड़ देने चाहिए थे। ये दिन देखना ना पड़ता। अरे अभी आप भी बिना खाए चल दिए, क्या हो क्या रहा है? ए दादा, भाषण ना को है मेरे को। भाषण नहीं रे, बात करनी है। क्या बात करनी है? देख, तू मेरा छोटा भाई है लेकिन बड़े बेटे जैसा बड़ा किया है मैंने और तेरी बहनी ने। अरे मैं मेहनत करके ईमानदारी से दो पैसे कमा सकता हूँ तो तू क्यों नहीं? ये तेरे मेहनत के दो पैसे ना, ये तुम्हारे जमाने की फिल्मों में कमाए जाते थे, अभी कोई नहीं कमाता। ईमानदारी हर जमाने में काम आती है सत्यन। सिर्फ एक खोली और एक साइकिल देती है तुम्हारी ईमानदारी, और दुनिया में किसी को फर्क नहीं पड़ता पैसे कैसे और कहां से कमाए जा रहे हैं। और चोरी तो आधी दुनिया करती है दादा। पर आधी तो नहीं करती, उस आदमी में से हम है सत्यन। जो संस्कार हमारी आई ने बाबा ने मुझे दिए थे वो मैंने तुझे देने की कोशिश की थी पर शायद दे नहीं पाया। देख अभी भी वक्त है। अभी ही वक्त है, वही तो कह रहा हूं। मैंने बस दो चैन उड़ाया, गलत किया, चार उड़ाना चाहिए। दो उनके मुंह पे मारते ना, केस नहीं बनाते मेरे। अगली बार ध्यान में रखूंगा। कोई अगली बार नहीं होगा। ये जेल की रोटी से अच्छी तो तेरी बहनी के हाथ की रोटी है, कल तेरी पत्नी के हाथ की होगी। तेरी अपनी कमाई की, अपनी मेहनत की। आपकी मेहनत की रोटी ना रूखी होती है, रूखी, मेरे गले से नहीं उतरती वो। एक दिन मैं तेरे को, वहनी को और श्रेया को 5-star होटल ले जाऊंगा, वहां बैठ के रोटी खाएंगे अपन। स्टाइल में टिप देंगे वेटर को, स्टाइल में बैठेंगे, समझना बात को। या तो तू ये चोरी की आदत छोड़ या मुझसे रिश्ता तोड़ दे। मैंने वो पंकज और जगदीश से बात कर ली है, वो तेरे लिए कोई नौकरी ढूंढने में मदद करेंगे। अब तो काम कर, कमा और आदमी बन के घर आ। वो पंकज और जगदीश क्या मेहनत करते हैं, और ड्राइवरी में काय की मेहनत, काय की कमाई। वो दोनों भी यही खोली में सड़ेंगे और यही मरेंगे। अरे जा जाके कहाँ चला जाएगा, और अब के बाहर आएगा ना तो घर के अंदर घुसने मत देना, समझी? कल रात आप सो गए थे, उसके बाद आया था वो, खाना भी खाया। मैंने तुझसे कहा था ना कि घर के अंदर घुसने मत देना। उसने वादा किया है आइंदा से चोरी नहीं करेगा वो, और सवेरे आपके उठने से पहले ही चला गया, चाय तक नहीं पी। पंकज और जगदीश से काम मांगने गया है वो। सब बराबर ना? एकदम टकाटक। वहनी चाय तैयार है का? हो आए, देते। ये लो, तुम्हारे फेवरेट कांदा पोहे किए। अरे झकास।
कहाँ जाया, क्या हुआ? सत्यन अभी तक नाइट शिफ्ट से लौटा नहीं है। अरे एक्स्ट्रा ड्यूटी पे लगा दिया होगा। मैं कितनी फोन लावले थेला, उसका फोन भी बंद आ रहा है। अरे बैटरी खत्म हो गई होगी, आ जाएगा, कुछ देर बाद ट्राई कर लेना है। तू खाना खा ले बेटा, तेरे बाबा फोन नहीं उठा रहे। काका भी नहीं घर लौटे, बाबा भी नहीं आए, कहाँ गए होंगे बाबा? गए होंगे शायद तेरी काका की खबर लेने। आहो का, आप यहाँ बैठे हो, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे आप? और सत्यन का भी फोन बंद आ रहा है, चल रहे गए? आओ बोला गए तेरी, क्या हुआ है? फिर कोई लफड़ा किया, फिर से उठा ले गई पुलिस सत्यन को। नहीं कल रात मतलब 21 की नाइट तो सत्यन की ड्यूटी थी नहीं। मतलब कल रात उसका ऑफ डे था? हाँ ऑफ डे था। अरे ऐसे कैसे? मेरे से बोल के गया था कि आज एक दिन छुट्टी मिली है, आराम करना घर ही। कुछ काम है वही नहीं, और छुट्टी किधर है आज? ओ ड्यूटी है। और नहीं तो क्या, शाम से लेकर सुबह तक काम कर रहा था या हमसे झूठ बोल रहा था नहीं पता जाया। आपको कैसे पता कि पुलिस उठा के लेके गई सत्यन को? आप गए थे पुलिस स्टेशन? नहीं, और इस बार जाऊंगा भी नहीं। अरे पंकज सत्यन कहाँ है, मोबाइल भी बंद है उसका। मैं पूरा दिन ड्यूटी पर था लक्ष्मण दादा, इसलिए आपको बताने आ नहीं पाया। क्या बताने? वो एक बुरी खबर है, सत्यन को फिर से पुलिस ने पकड़ लिया। अब क्या किया उसने दादा? लगता है इस बार कोई मर्डर वर्डर किया उसने। चल निकाल 10 रुपए निकाल। देख सत्यन यादव। सलाम साहब। मारा सलाम के बच्चे मारा। अरे क्या हो गया? बाहर आ। अपन ने कोई लफड़ा नहीं किया सर, अपन अभी ड्राइवरी का काम करता है, गलत काम सब बंद कर दिया अपन। कल रात दारू पी के एक आदमी को काट डाला और लाश नाली में फेंक दी, कह रहा है सब गलत काम बंद कर दिया। मैं तो पूरी रात ड्यूटी पे था कल। अब हम ड्यूटी पे। अरे फुल डे फुल नाइट तेरी याददाश्त ताजा करेंगे हवाला। मर्डर हो दादा, वो कांस्टेबल ऐसा ही कुछ बोल रहा था कि किसी नाले के पास। दादा संभालो, दादा संभालो अपने। दादा मेरे और जगदीश की तो पूरी थी, तो हम दोनों वहां से खिसक लिए। एक तो हमें पता भी नहीं था कि क्या लफड़ा है, ऊपर से सत्यन ने मर्डर किया, उसके साथ रहने का क्या फायदा ना दादा? सत्यन ने किसी को मार डाला? मुझे नहीं पता जया, मैं पुलिस स्टेशन गया नहीं, हिम्मत ही नहीं हो रही मेरी। पहले चोरी करता था और अब खून, और नहीं जया, और बिल्कुल नहीं। ये मेरे पति विशाल है। निशा जी हम पक्का तो नहीं कह सकते, लेकिन आपके पति के बारे में हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है ये बॉडी से काफी हद तक मैच करती है।
पता चला किसको मार डाला सत्यन ने, क्या हुआ था उन दोनों के बीच? सॉरी दादा, कुछ भी पता नहीं चला। दादा उसने एक शब्द भी नहीं बोला हमसे। दूसरे दिन तो आराम से हमारे साथ पत्ते खेल रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुझे लगा मेरा भाई सुधर गया हमेशा के लिए, सीधे रास्ते पे आ गए, आई बाबा के संस्कार मेरी कोशिश काम आ गई। दादा हम भी तो वही सोच रहे थे ना, हमेशा से उसको समझाते आए थे, अब भी काम पे इसी उम्मीद से लगाया था कि चलो छूट जाएगी इसकी गलत रास्ते की लत। दादा इसमें ना आपकी कोई गलती नहीं है। दिल नहीं मानता मैं तो हमेशा खुद को ही कोसता कि क्या कमी रह गई थी, क्या गलती हो गई थी सत्यन की परवरिश में मुझसे। एक महीने के ऊपर हो गया है, सत्यन अभी तक बाहर नहीं आया। मर्डर किया कैसे बाहर आएगा, मुझे नहीं पड़ी, सुनने दो से। देखिए मैं दिल से बोलती हूँ, हमारा सत्यन किसी की जान नहीं ले सकता, आप उसके बड़े भाई हो, बेटे जैसा है हमारे, जिम्मेदारी है ना हमारी। चोर था अब खून ही हो गया है। आप एक बार मिल तो लो, पुलिस वालों से बात तो कर लो, शायद उन्हें कोई कोई गलत फहमी हुई हो। डर लगता है मुझे कहीं ऐसा ना हो सत्यन के जुर्म के चक्कर में हम ही लोग लपेटे में आ जाए। क्यों नहीं समझ रहा था वो जो कर रहा था, उस सबसे ज्यादा परेशानी हमें हो रही थी, मुझे हो रही थी। सत्यन जादव क्या हुआ उसे? मिला था साहब उससे विजेल में? नहीं साहब, 22 मार्च को अपने पुलिस थाने में तो अरेस्ट नहीं हुआ था सत्यन जादव। वैसे बड़ा पहुंचा हुआ और महा चैप्टर आदमी है सत्यन जादव, 3 बार तो मैंने उसे अरेस्ट किया है। लेकिन साहब 21 मार्च की दोपहर घर से निकला था ये कह के कि नाइट ड्यूटी है, काम पे जा रहा है, और 22 मार्च की सुबह गिरफ्तार हुआ मर्डर के चार्ज पर। मर्डर कहां किया था मर्डर? ये तो नहीं मालूम। 3 महीने हो चुके हैं जादव, कोर्ट में पेश किया गया होगा, अब जुडिशियल कस्टडी में होगा। देखो जादव किसी और पुलिस स्टेशन का केस होगा, तुम एक काम करो मर्डर कहाँ हुआ पता करो तो पुलिस स्टेशन का पता चल जाएगा। वो तो हमने ना पूछा ना पता किया दादा, लेकिन पुलिस वाले थे गाड़ी में, और जिस गाड़ी में लेके गए वो गाड़ी भी पुलिस वालों की थी, लेकिन उस गाड़ी के ऊपर किसी थाने का नाम वाम कुछ भी नहीं लिखा था। किसका मर्डर किया होगा कुछ तो आइडिया होगा तुम्हें, कोई पुरानी दुश्मनी? नहीं पता दादा, लेकिन दादा पुलिस वाले अगर बोले कि जुडिशियल कस्टडी में है तो इसका मतलब वो किसी थाने में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लॉकअप मतलब पुलिस कस्टडी और जुडिशियल मतलब जेल। दादा आर्थर रोड जेल में देखा आपने? नहीं, तो उधर देखो क्या हो सकता है। दादा उसे वहां भेजा हो कोर्ट से। और कोई नाम है क्या? जी क्या मतलब? मतलब चोरी के लिए सत्यन जादव, मर्डर के लिए रामन राघव, ऐसे कुछ अलग अलग नाम से काम करते है क्या तेरा भाई? नहीं ऐसा तो नहीं है साहब। तो एक एक फोटो को इतनी बारीकी से क्या टुकुर देख रहा है? मैं बोल लो ना तुला चेक करूं, हमारी जेल में कोई सत्यन जादव नहीं है इस वक्त। 3 महीने से ऊपर हो गया साहब, हमारे इलाके का इंस्पेक्टर भी बोला शायद केस किसी और थाने में दर्ज हुआ होगा, फिर वहां से न्यायिक हिरासत में भेज दिया होगा। अरे बाबा मैं जिते मर्डर झाला तिकड़े जाऊन चेक करना। वही तो नहीं मालूम साहब। तो तुझे ये भी मालूम नहीं होगा कि अपने अखे महाराष्ट्र में कितनी जेल है? नहीं साहब। मुश्किल है तेरा लक्ष्मण जादव, 8 तो सेंट्रल जेल है, ऊपर से कई सारे जिला और सब जेल है। लक्ष्मण दादा
मैंने माहिती निकाली है दादा, अपने सत्यन का केस बोरिवली सेशन कोर्ट में ही आया होगा, ऐसा एक वकील बोला। तो वहाँ से उसे किस जेल में ले गए होंगे? दादा वो वकील बोला कि ज़्यादातर मर्डर के केस उधर के जज तलुजा सेंट्रल जेल भेजते हैं, लेकिन पक्का पता नहीं दादा। लक्ष्मण जाधव, एक बार तेरे को बोल दिया कि कोई सत्यन जाधव नहीं है इस जेल में, तो क्यों इतनी देर से रजिस्टर चाटे जा रहा है? बोरिवली सेशन कोर्ट के एक वकील ने बोला शायद तलोजा जेल ही भेजा होगा। हाँ, वहां से काफी कैदी लाए जाते हैं, लेकिन यह नाम सत्यन जाधव नहीं है। किसका मर्डर किया था तेरे भाई ने, कहाँ किया था? लक्ष्मण और कितनी छुट्टी दू तुझे, अब तेरा भाई मिलने तक फैक्ट्री तो बंद नहीं कर सकते है ना? हाँ राजन भाव, समझता हूँ, अब और छुट्टी नहीं लूंगा। और अब तक जो लिए है उसका क्या? देखो लक्ष्मण, पूरे 2 महीने तक एक्स्ट्रा शिफ्ट करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा शिफ्ट करूंगा राजन बाबू, ये तुम्हारा निजी मामला है, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। तुम ईमानदार हो, मेहनती हो, और तुम्हारा भाई निकला निकम्मा क्रिमिनल, मर्डर किया उसने, लंबी सजा हुई तो जेल से सजा काट के ही निकलेगा ना। अब तेरे उससे मिलने से उसकी सजा तो कम नहीं होगी? नहीं होगी। चार बड़े जेलों में नहीं है, कहीं और डाला होगा ना उसे? कुछ तो पता चले जया, अभी तक कुछ भी मालूम नहीं। क्यों नहीं समझा पाया मैं सत्यन को सही गलत का फर्क? देखिए आप अपने आप को बड़ा काय आए? मैं सत्य के सामने बोलना नहीं चाहती थी, अब तुझे जो मालूम है वो मुझे मालूम है। आता सगळं संपलं रे, अब मेरा समय आ गया। तू कहीं नहीं जा रही, डॉक्टर साहब ने बोला है तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और मेरी बात सुन, अब तू उसके लिए बड़ा ही भाई नहीं है, अब तो उसके लिए माँ बाबा बनेगा। हो आई आई ची शपत, आई तुझी शपत। आपके पास एक लावारिस लाश थी लगभग 1 साल के लिए, क्या इस लावारिस लाश का हिस्ट्री शीटर सत्यन जाधव के गुम होने के साथ कोई कनेक्शन था? क्या ऐसा था कि ये लाश सत्यन के विक्टिम की थी और सत्यन इस मर्डर के बाद फरार हो गया था? सत्यन जाधव का गायब होना और लावारिस लाश के बीच का कनेक्शन तो उस वक्त हमें पता नहीं था, क्योंकि हमें यह भी पता नहीं था कि सत्यन जाधव वाकई में गायब हुआ था। सर, ये मेरे पति विशाल नहीं है। निशा जी, आप एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए, इसके फेस को बुरी तरह से कुचला गया है। आप ठीक से देखे बिना कैसे कह सकते हैं कि आपके हस्बैंड नहीं? सर, मैंने ना सिर्फ मुंबई के बल्कि स्टेट के हर पुलिस स्टेशन की मिसिंग कंप्लेंट मैच करने की कोशिश की, पर जिस आदमी की लाश हमें 23 मार्च 2015 को मिली थी उसकी शिनाख्त ही नहीं हो पा रही। उस लाश का चेहरा पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था सर, इस बात को 6 महीने हो गए हैं और अब तो हमारी सारी खबरों ने भी जवाब दे दिया। ऐसा हो सकता है शायद इस आदमी की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज ही ना हुई हो, शायद ये आउट ऑफ स्टेट का हो। सर, मैंने नेशनल मिसिंग पर्सन ब्यूरो में इस केस की डिटेल्स भेजी थी और वहां से आते हुए लगातार फीडबैक को चेक भी करता आया हूं। नो लक सर, हमारे पास विक्टिम के कपड़े और कुछ चीजें हैं, देखते हैं केस में आगे क्या मिलता है। सब्र की हद पार हुई
और कहीं ऐसा तो नहीं कि प्यार नफरत में बदल गया हो? लक्ष्मण यादव ने अपने ही भटके हुए छोटे भाई को रास्ते से हटा दिया हो, पर यह कैसे हो सकता है? सत्येन के दोस्त पंकज और जगदीश दोनों ने सत्येन को एक मर्डर के लिए गिरफ्तार होते हुए देखा था। क्या सत्येन इस मर्डर के लिए गिरफ्तार नहीं हुआ था जो बॉडी आपके ताबे में थी? दरअसल सत्येन हमारी कस्टडी में कभी था ही नहीं। वो कहां था हमें नहीं पता था। और हां, सत्येन अपने आप से गायब नहीं हुआ था। एक साजिश रची गई थी उसे गायब करने के लिए। यार जगदीश, आज फिर आए थे लक्ष्मण दादा, इस बार कहां भेजू ने? उन्हें बोल, उम्र के धोखे सकते। यार तीन तीन बार बोल चुका हूँ कि मर्डर केस था, हुई होंगी लंबी सजा, लेकिन यार जिद करते हैं कि कौन सा जेल और कौन सा की। यार यार जिले के सारे जेल जा चुके, वो पुणे और अहमदनगर भी जाके आए। कहीं उन्हें शक तो नहीं हो गया पंकज? नहीं बे, उन्हें बस एक बार सत्यन से मिलना है और उसी के पीछे लगे हैं। लेकिन यार अब हम क्या करें? नागपुर बोल रहे हैं तो हो आने में क्या दिक्कत है? बहुत उधारी चढ़ चुकी है जया, अब राजन भाव भी फैक्ट्री से और छुट्टी नहीं देंगे। मांगने में भी शर्म आती है। फिर से एक बार मांग कर देखो, हो सकता है सत्यन नागपुर जेल में हो। इन्हें बेच दो या गिरवी रख दो, कम से कम 3-4 हजार तो आ ही जाएंगे ना। काई पणवण ने सत्यन बेटा है ना हमारा, और हमें तो पता भी नहीं कि वो कौन से जेल में है, किस हाल में है, और शायद उसने अदालत या पुलिस को हमारा नाम भी बताया नहीं होगा शर्म के मारे। काई नहीं है क्या? और नागपुर हो क्या ही? ये आखिरी बार छुट्टी चाहिए 4 दिन की। क्यों? ये पक्की खबर है सत्य नागपुर जेल में, बस उसे एक बार देख लूं, 2 थप्पड़ लगा दूं, फिर उसकी रिहाई तक कोई छुट्टी नहीं लूंगा। और खुदा ना खास्ता नागपुर में नहीं मिला तो? फिर उसे ढूंढने के लिए कभी छुट्टी नहीं लूंगा, जुबान देता हूँ। कब जाना है 4 दिन की छुट्टी पर? कल। अगर इसके बाद छुट्टी ली तो परमानेंट छुट्टी, समझ लो। यार मैंने लक्ष्मण दादा को नागपुर जेल बोला तो वो नागपुर भी चले गए। यार ये तो मतलब कौन की तरह चिपक गया है? यार अब तो कोई जेल बचा भी नहीं उन्हें भेजने के लिए। चुपचाप बैठते, शायद इसके बाद खुद ब खुद थक जाएंगे और ये अपनी जेलों की तीर्थ यात्रा भी बंद कर देंगे। मिला? नहीं, इसमें तो नहीं है मेरे भाई का नाम। देखिए, फरवरी 2015 से अब तक के सारे कैदियों के नाम है इसमें। आप बोल रहे हो कि आपका भाई 22 मार्च 2015 में गिरफ्तार हुआ था? जी। सत्येन जाधव, और वो भी मर्डर केस में? जी साहब। देखिए, जो भी हुआ हो आपका भाई यहाँ तो नहीं है, आप किसी और जेल में पता कीजिए या फिर ये पता कीजिए कि कौन सी पुलिस ने उसे उठाया था। सारे जेल हुआ है साहब, लेकिन मेरे भाई का नाम कहीं नहीं है। पता नहीं कौन सी पुलिस ने गिरफ्तार किया मेरे भाई को। लक्ष्मण दादा, आप सत्येन को ढूंढना छोड़िए। तो ऐसे कैसे छोड़ दो जगदीश? बेटे जैसे छोटा भाई है मेरा, वो गलत रास्ते पे जा रहा था और मैं उसे रोक नहीं पाया, उसे मिलना मेरा फर्ज है। शायद आप उसे कभी मिल ही नहीं पाओगे दादा। ये क्या बकवास कर रहा है दादा? हमें लगता है कि पुलिस वाले ने उसे उठाया तो सही,
लेकिन गिरफ्तारी नहीं दिखाई, या फिर लॉकअप में उसे बहुत तोड़ा होगा और उसने वहीं पर दम तोड़ दिया हो। नहीं, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि पुलिस वाले उसे थाने लेकर ही नहीं गए, किसी खोपचे में एनकाउंटर ना कर दिया हो उसका। ए लक्ष्मण जाधव, हम पर इल्जाम लगा रहा है, पागल हो गया? हाँ सब, पागल हो गया, गुस्से के मारे पागल हो गया। कैसे मैंने अपने भाई को गलत रास्ते में जाने दिया, क्यों नहीं बदल सका मैं उसे? तो सारी जेल में उसे ढूंढ चुका है लेकिन वो कहीं नहीं मिला, तो फिर ऐसे क्यों सोच रहा है कि हमने उसका एनकाउंटर कर दिया हो? अरे ऐसे भी तो हो सकता है कि वो खुद ही फरार हो गया हो, किसी दूसरे स्टेट में जाकर नए नाम से नई जिंदगी शुरू कर दी हो। ऐसे हिस्ट्री शीटर्स की हमें भी तलाश होती है, कई सारी पेंडिंग केसेस इनकी वजह से अधूरे रहते हैं। तो फिर ढूंढिए ना उसे साहब, सजा दीजिए, लॉकअप में रखिए, जेल में रखिए, लेकिन मैं उसे देख तो सकूं। छब्बीस साल का है, हिस्ट्री शीटर है और एक साल से घर नहीं लौटा है। और इसकी मिसिंग कंप्लेंट आ जा रही है? मिसिंग नहीं साहब, इस सत्यन यादव को अरेस्ट किया गया था किसी मर्डर केस में। यह फोटो भी मेरे पास आया है, डिटेल्स में लिखा है कि 21 मार्च 2015 को ये घर से निकला और 22 मार्च को अरेस्ट हुआ था, तब से इसका कुछ पता नहीं। 21 मार्च 2015 हो साहब, 26 का है, तभी तो इसका फोटो आपके पास लेके आया हूं। उम्र 26 से 30 के बीच की होगी, किसी भारी चीज से सर पर वार किया है और बार बार मारकर चेहरा भी बिगाड़ दिया गया है, जाहिर है पहचान मिटाने के लिए। डॉक्टर, टाइम ऑफ डेथ? जितनी सड़ गई है उससे लगता है कम से कम 36 घंटे पानी में रही होगी। इसका मतलब मर्डर 21 मार्च की रात को हुआ होगा शायद। और हाँ, इनकी ब्लड स्ट्रीम में अल्कोहल के ट्रेसेस भारी मात्रा में मिले हैं और पेट में बहुत सारा अनडाइजेस्टेड फूड भी मिला है। मतलब शराब और खाने के तुरंत बाद मार डाला गया। जी मैं लक्ष्मण जाधव जी, कुछ पता चला मेरे भाई सत्यन के बारे में? आप अभी क्राइम ब्रांच ऑफिस आ सकते हैं। लेकिन बोलिए तो सही, मिला मेरा भाई, बात तो कराइए। आप आइए पहले, फिर बात करते हैं। आप मुझे यहाँ क्या दिखा रहे हैं साहब? 23 मार्च को हमें एक लाश मिली थी, मौत 21 मार्च को हो चुकी थी, पर उस बॉडी की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई। साहब, ए भाई नहीं, तावीज वावीज नको है मेरे को। बुरी नजर और बुरी संगत दोनों से बचाएगा तुझे ये, अब ज्यादा बात मत कर, ले। जबरदस्ती है वहीं हो आहे, गे? पता चला आप ही जादू टोना कर रही है मुझ पे। हाँ मैं ही कर रही हूँ, तूने जो अच्छे से काम शुरू किया है वो बस अच्छे से चलता रहे। क्या मैं अपने भाई को देख सकता हूँ? लाश काफी बुरी हालत में थी, इसलिए उसका क्रियाकर्म हम लोगों ने खुद ही कर दिया। 21 मार्च पिछले साल मारा गया और मैं उसे पिछले एक साल से महाराष्ट्र की जेलों में ढूंढता रहा। क्यों? उसे तो 22 मार्च को पुलिस उठा के लेके गई थी किसी मर्डर के केस में, फिर किसी ने उसका मर्डर कैसे कर दिया? सत्यन कैसे गिरफ्तार हुआ था, कहाँ हुआ था? सब जो पता था वो सब बता तो दिया आपको। मुंबई के किसी भी पुलिस स्टेशन में सत्यन की गिरफ्तारी की एंट्री ही नहीं हुई। 22 मार्च 2015 हमने दो दो बार चेक किया। पंकज, जगदीश बोलते क्यों नहीं? मैं बोलूं क्यों नहीं बोलते? क्योंकि बोलती बंद हो गई है तुम दोनों की। एक साल से सत्यन के भाई लक्ष्मण को घुमा रहे हो जेल से जेल,
जबकि तुम दोनों को मालूम है कि सत्यन के साथ क्या हुआ था, क्योंकि जो कुछ हुआ वो तुम लोगों ने किया है ना। मार डाला ना अपने बचपन के दोस्त को। हे पंकज, ज्यादा मचमच न कोया मला। तेरे नाम पे कैब दी थी मैंने, उस कैब में से डेक गायब है। जिम्मेदारी तेरी थी, या तो डेक लौटा या पैसा दे, हिसाब बराबर। हरीश भाऊ, 3 साल से कैब चला रहा हूँ मैं आपकी। अरे नियत तो 30 साल बाद भी बिगड़ सकती है ना, क्या बात कर रहे हैं। देख, सुबह सुबह ड्रामा नहीं चाहिए। तेरी तनख्वाह में से डेक का पैसा कटेगा, बात खत्म। चाहेला, तेरे कार से भी डेक गायब, अबे मेरे भी कार से डेक गायब। क्या यार, ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना रे। यार हरीश भाऊ, पूरा इल्जाम मुझ पे लगा रहे कि मैंने ये चोर बाजार में बेच दिया होगा। यार मैं क्या पागल हूँ क्या, 3,000 के डेक के लिए 12,000 की नौकरी छुड़वा दूँ। दिमाग सुन पड़ गया था साहब कि डेक कैसे गायब हुआ, लेकिन डाउट नहीं गया। सब पूरे 2 हफ्ते बाद पता चला, हमारी कार से जो डेक की चोरी हुई थी उस इत्तेफाक का क्या नाम था। एक कट ऑफ सत्यन। हाँ पानी है क्या? हाँ डिक्की में पड़ा ना, मिनरल वाटर का पैकेट है पूरा। साला कल रात मेरे यहाँ सोया था, और पता है सुबह उठता हूँ तो क्या देखता हूँ? चोरी की। सोच कहाँ से, उसको ईमानदारी से कमाने का चांस हम लोगों ने दिया, नौकरी दिलाई, और अब हमारी और हमारा नाम भी तो खराब हो रहा ना पंक्या। देख, सीधा सामने बैठकर बात करनी होगी। देख सत्यन, अभी के अभी दोनों डेक हरीश भाऊ को लौटा दे और बोल तूने चुराए थे। हम दोनों का इसमें कोई लेना देना नहीं। हाँ प्रणाम, सीधे पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। अबे जिंगूर, तुम दोनों हरीश भाऊ के सामने या पुलिस वालों के सामने, मैं नहीं करता। और मैं सच सच बोल दूंगा ना कि तुम दोनों ने बोला था मेरे को। सत्यन तू तो हिस्ट्री शीटर है, तू ही हमारे दोस्त स्पीकर चुरा ले, बड़ा हिस्सा दे देंगे तेरे को। मेरे साथ तुम दोनों को भी जेल की हवा और रोटी दोनों चखाऊंगा। मतलब एक बार तुम दोनों पे भी ठप्पा लग गया ना क्रिमिनल का, बस फिर अपन तीनों ने गैंग बना लेंगे। गैंग का नाम रखेंगे स्पीकर गैंग, स्पीकर के कारण बनी हुई गैंग। धीरे धीरे अपना काम बढ़ाएंगे, बड़े बड़े झोल करेंगे। हमारी जिंदगियों की वाट लगाने की धमकी दी साले ने। सब बचपन से जानते थे सत्यन, हर बारी उसको कहते थे कि चोरी मत कर मत कर, हमारे साथ रहा कर, सीधे काम किया कर। फिर हमने पार्टी रखी, जैसे उसको पता चला कि पार्टी में प्रीति दारू और खाना है तो वो तुरंत आने के लिए तैयार हो गया, और घर पर अपने भाभी को बोलकर आया कि मैं काम पे जा रहा हूँ, जबकि उसको उस दिन ऑफ था। कुछ काम हो नहीं और छुट्टी किधर है आज? मैं जो स्पीकर गैंग की बोल रहा था ना, मैं सीरियसली बोल रहा था। ओके, अपन तीनों सच में गैंग बना सकते हैं और काफी बड़े बड़े हाथ मार सकते हैं। यार तुम लोग एक बात बताओ, तुम लोग इतनी लड़कियों को अप डाउन किया, आज तक कभी किसी के साथ डिंग डोंग डिंग नहीं किया? क्या मस्त मस्त आइटम आती है बॉस, परफ्यूम लगाती है ना, मेरी गाड़ी सड़क छोड़ के एकदम हवा में उड़ने लगती है भाई। और माल वाल काफी होता है इनके पास, काफी। तो मेरा प्लान है, तुम दोनों ना मुंह पे रुमाल बांधकर मेरी गाड़ी को लूट लेना, चाकू वाकू दिखाकर। ऐसा ही सेम टू सेम मैं तुम्हारी गाड़ी के साथ करेगा, जबरदस्त तगड़ी कमाई है, और पूरे टाइम चेहरा ढका रहेगा, और हम कभी एक दूसरे का नाम ही नहीं लेंगे। किसने क्या किया किसको पता? सही बोल रहे, कभी किसी को कुछ भी नहीं पता चला। हाँ, किसने किया क्या किया और
दुख इस बात का है यार, लक्ष्मण दादा पर क्या बीतेगी। देखा जाए तो हमने उनकी मुसीबत भी तो आसान की है, जो हो गया सो हो गया, अब आगे का देखते हैं। हताश हो गए थे हम दोनों, साला खुद तो चोर था, हम पर भी चोरों वाला धब्बा लगाने की धमकी दे रहा था, और तुम लोगों को लगा कि वो तुम्हें भी किसी चोरी की केस में घसीट लेगा। ओ साहब, और तुमने क्या किया? उसका मर्डर कर दिया। और अब क्या हुआ? खुद ऐसे केस में घसीट लिया अपने आप को, जो जिंदगी निकल गया तुम्हारी। उससे पहले तुम भी तो अपना मुंह खोल सकते थे, उसके भाई लक्ष्मण को बता सकते थे, या उससे पहले सीधे आकर थाने में हमें बता सकते थे, तो ये नौबत ही नहीं आती। लक्ष्मण जी, एक साल पहले जब सत्यन गायब हुआ था, अगर तब आपने उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई होती तो शायद उसका पता लगाने में इतनी देर नहीं होती। मैं तो पंकज और जगदीश की बात को ही सच समझ बैठा। वो उसके बचपन के दोस्त, अच्छे लड़के, उन पे कैसे शक कर सकता था? उन्होंने तो सत्यन को नौकरी दिलवाई थी। मुझे बोल दिया होता रे, दो थप्पड़ लगा के माफी मंगवाता तुम दोनों से। बचपन से लेके आज तक क्या कम थप्पड़ मारे थे आपने उसे? क्या कम डांटा था? कभी सुधरा? रत्ती भर भी नहीं सुधरा। तुम दोनों ने उसकी जान ली, क्या उससे सुधर गया वो? दादा, उस वक्त हमें उसके सुधार के नहीं, खुद के बचाव की पड़ी थी। और हुआ क्या? वो क्रिमिनल था, अब तुम दोनों उससे बड़े क्रिमिनल हो गए हो। ये एक कड़वी सच्चाई है, जब कोई गलत रास्ता अपनाता है जिंदगी में, चोरी हो, गुंडागर्दी हो, नशा करना हो, या फिर औरतों को छेड़ना, बदतमीजी करना, या आगे जाके रेप करना, इन सारे कुकर्मों की सबसे ज्यादा तकलीफ करने वाले के घर वालों को भुगतनी पड़ती है। एक माँ, भाई, बहन और पिता का दिल निचोड़ जाता है जब घर का एक बच्चा भटक कर गलत रास्ते पर निकल पड़ता है, और जब उसे अंजाम का कोई आइडिया नहीं होता। ऐसे जुर्मों में सभी कीमत चुकाते हैं, गलत रास्ते पर चलने वाले, और वो लोग भी जिनकी उंगली पकड़कर क्रिमिनल ने कभी चलना सीखा था। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।